Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor, Furqan Ahmed Qureshi from VTuition's learning platform, which is Pakistan's first free-of-cost learning platform. Dear students, first year mathematics ka chapter number 9, hum aaj ke lecture start karenge. Aur chapter number 9 ke andar jo theoretical portion hai, ya theory se related jo concepts hai, वो मैं आपको आज के लेक्चर में जो है वो बताऊंगा. और इससे पहले फंक्शंस एंड ग्राफ हमने जो है वो चैप्टर कवर अप किया था, और उससे जो है वो कुछ चीज़ें इस पर रिलेट कर रही हैं, मींस की कोऑर्डिनेशन है दोनों चैप्टर्स की आपस में. वो कोऑर्डिनेशन भी आपको मैं गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से इंटरलिंक करेंगे दोनों चैप्टर आपस में. और राइट नाउ जो है मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ. लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो चैप्टर का नाम है. प्रोग्रामिंग का वर्ड जो है बहुत कॉमन वर्ड है, जो कि आपने सुना होगा तमाम स्टूडेंट्स ने. इधर ये कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है, और कंप्यूटर के अंदर ज्यादा इसको डिस्कस किया जाता है. कंप्यूटर में डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो प्रोग्रामिंग होती है, उससे डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं. बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस प्रोग्रामिंग इन मैथमेटिक्स. आवर पोल इज मैथमेटिक्स. तो हम फिजिक्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स की सेंस के अंदर इस प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे. मीन्स के जो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है इन प्रोग्रामिंग्स के जरिए. राइट नाउ एक क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में रेज हो रहा होगा कि बाज़ औक़ात जो है स्टूडेंट्स जो कि ग्रेजुएट होते हैं फिजिक्स में, साइंस मैथमेटिक्स में, या फिर केमिस्ट्री में, जो कि नेचुरल साइंसेज की डिग्रीज कहलाती हैं, नेचुरल साइंसेज में या बेसिक साइंसेज के अंदर ये डिग्रीज जो है वो आती हैं, बट वो एडिशनली जो है वो प्रोग्रामिंग के कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी करते हैं. तो अब आपको इस लेक्चर के बाद से ये जो कन्फ्यूजन है क्लियर हो जाएगी. वो करने का रीज़न यही होता है कि जब वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं साइंटिफिकली, तो वहाँ पे उनको जो है वो प्रोग्रामिंग की जो है वो ज़रूरत होती है. लाइक यहाँ पे अब मैथमेटिक्स के अंदर आप थॉट कर रहे होंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का नाम है, डेफिनेटली उससे रिलेट कर रहे हैं. तो उसका रीज़न यही है, इट्स यूज्ड एज अ टूल. लाइक अगर तो आपने कोई इंस्ट्रूमेंट को ओपन करना है और स्क्रू ड्राइवर से जो है वो ओपन करना है, तो डेफिनेटली स्क्रू ड्राइवर इज अ टूल टू ओपन दैट इंस्ट्रूमेंट. लाइक कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है वो, ठीक है. तो दिस इज आल्सो नोन एज अ टूल टू सॉल्व द साइंटिफिक प्रॉब्लम, ठीक है. फिजिक्स की हो, मैथमेटिक्स की हो, केमिस्ट्री के अंदर कोई वर्ड प्रॉब्लम हो, या साइंटिफिक साइंटिफिक कोई प्रॉब्लम हो जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, या बायोलॉजिकल साइंसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो दिस वन इज आल्सो यूज्ड एज अ टूल. आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग, ठीक है. राइट नाउ जो है वो स्लाइड्स को देख लेते हैं, कौन सी स्लाइड्स हैं, और उसको हम जो है डिस्कस करते हैं. अच्छा, फर्स्ट वन आप स्लाइड देखें, और इसमें जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो हुई हुई, और उसमें जो है वो एक आप हैंड के अंदर देख रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर सा बॉक्स है. मल्टीपल डायरेक्शन में आप उसको देख सकते हैं, ठीक है. और उस पर ए बी सी जो है पॉइंट आउट हुई हुई है चीजें, और इस तरह की जो है वो बॉक्स के अंदर जो है वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है. राइट, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इस तरह से पहले ग्राफिंग की जाती है उसकी, ठीक है. तो इस पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट करने का पर्पस जस्ट सिर्फ यही है कि आपको थोड़ा बहुत जो है वो नॉलेज हो किस तरह की जो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि सॉल्व की जाती हैं. और वहाँ पे दिस चैप्टर इज यूज एज अ टूल, या कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग यूज्ड एज अ टूल, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. चैप्टर नंबर 9 है, इसकी थ्योरी हम कह रहे हैं, और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है. वो यहाँ पे मेंशन है फर्स्ट स्लाइड में, नथिंग मोर देन दिस, इसके अलावा कुछ नहीं है. अच्छा, ये पिक्चर मोर जो है वो क्लियर होके आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है. इट विल मेक्स मोटिवेशन फॉर द मैथमेटिक्स और लीनियर प्रोग्रामिंग. अच्छा, ये प्रोग्रामिंग एक वर्ड लिखा हुआ है, और उससे रिलेटेड जहाँ जहाँ एप्लीकेशंस हैं इसकी वो यहाँ पे दिखाई जा रही हैं. ईच एंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ, जो भी हम काम कर रहे हैं
उससे जो भी चीज कोऑर्डिनेट कर रही है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। अगर हम मैथमेटिकली एस्पेक्ट से फाइनेंशियली एस्पेक्ट से कोई बात करें, फाइनेंस की फाइनेंस डिवीजन है किसी भी कंपनी के अंदर या बैंकिंग सेक्टर की बात करें वहां पर भी इसका यूजेज है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेफिनेटली वही है, MIS या CIS वही है, इंफॉर्मेशन सिस्टम उससे रिलेटेड कुछ है, कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है वो चीजें आपको पिक्चर में दिखाई जा रही हैं। कुछ जो है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में जो मशीनरी यूज होती है उसको कंट्रोल करने के लिए चीजें दिखाई जा रही है, वहां भी डेफिनेटली प्रोग्रामिंग ही यूज हो रही होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट उस प्रोग्रामिंग को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, जो भी आप जिस भी फील्ड से हैं डेफिनेटली वो उसके अंदर लाजमी सबसेट होगा इसका, प्रोग्रामिंग का। वन मोर पिक्चर जो कि आपको मजीद क्लियर होगी, मजीद चीजें इसको देख के, इसमें कुछ ग्राफ्स दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज आपने सुना होगा, वहां पे इस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है डिफरेंट चीजों की, या फिर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी कंट्री के कंट्री बेस्ड ऑन वर्ल्ड, तो इस तरह ग्राफिंग की जाती है, या प्रोविंस वाइज किसी कंट्री को देखना हो तो इस तरह ग्राफिंग हुई भी होती है, कलर्ड ग्राफिंग यहाँ पे आपको शो हो रही है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, इस तरीके से प्रेजेंटेशन अगर डिफरेंट दी जाती हैं कैबिनेट लेवल के ऊपर, वहां पर भी ये चीजें यूज की जाती हैं। आइदर के कौन सा कंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, बिकॉज वी आर सर्विंग राइट नाउ एज एन एजुकेशनिस्ट, तो फिर डेफिनेटली, या फिर एज एन एजुकेटर, तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड। वहां पे अगर प्रेजेंटेशंस होती हैं तो इसी तरह से ग्राफ बनाए जाते हैं, लाइक वी आर इन अ सिंध प्रोविंस राइट नाउ, तो फिर यहाँ पे लिटरेसी रेट कितना है, इस तरह ग्राफ को दिखाया जाएगा। फिर ग्रीन जो है, फिर पंजाब में कितना लिटरेसी रेट है, तो ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है हम इस ग्राफ को स्केच कर सकते हैं। बैक एंड पे फिर पूरा स्टैट्स होगा। ठीक है, और फिर सो ऑन सो ऑन, बट फ्रंट पे जो है इन द एंड जो पिक्चर होती है उसके बैक एंड पे जो है पूरा एक टीम वर्क होता है, लॉट ऑफ पीपल्स आर इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन इन दिस गेम, और उसमें फिर पूरी प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, बैक एंड पे, और बहुत हार्ड वर्किंग जो है रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसलिए जो है ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस से डेफिनेटली आप उसमें इंटरेस्ट डिवेलप करें, जो कि बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा इन फ्यूचर फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इसी ग्राफ में से जो है कुछ ब्रांचेस को इंक्लूड किया जा रहा है। अब आप देखें, फर्स्ट वन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द पिक्चर, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो लेबोरेटरी की एक पिक्चर दिखाई जा रही है। लैब्स के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट XRD, एक्सरे डायफ्रेक्शन एक मशीन होती है, उस पर आप पीक्स डिफरेंट चेक करते हैं किसी भी कंपाउंड की। ठीक है, लाइक टिटानियम डाइऑक्साइड आप ले लें, विच इज यूज फॉर मेनी एप्लीकेशन इन अवर डेली लाइफ, तो उसको जो जब लैब में टेस्ट किया जाता है और उसकी पीक्स चेक करते हैं तो वो यहाँ पे शो करवाया जा रहा है। बैक एंड पे जो है वही सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। फिर वंस मोर एक और जो है वो एक्सपेरिमेंटल पिक्चर दिखाई गई है, इट्स बिलोंग टू द प्योर नेचुरल साइंसेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बायोलॉजी और इंजीनियरिंग एज वेल, सम ऑफ द ब्रांचेस जो इंजीनियरिंग की है वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगी, बट जो नेचुरल साइंसेस में जो ब्रांच जो डिग्रीज आती हैं या फिर जो फील्ड्स आती हैं वो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, और फिर जो है वो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी भी इसमें इन्वॉल्व होती है। एनी हो, नेक्स्ट जो ब्रांच है उसके अंदर आपको कंप्यूटर की एक पिक्चर दिखाई जा रही है, जो कि डेफिनेटली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और प्योर प्रोग्रामिंग ऑफ द कंप्यूटर फील्ड। फिर नेक्स्ट वन जो है वो एक आपको एंड्रॉयड टाइप की पिक्चर शो हो रही है, एप्लीकेशंस डिफरेंट जो हम मोबाइल के थ्रू करते हैं, लाइक दराज ऐप है उसके थ्रू जो है वो आप लाइव मैच भी देख सकते हैं, उसकी कवरेज होती है। ठीक है, फिर उससे सो ऑन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को दिखाया जा रहा है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो होती हैं लाइक सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, राइट, मेडिसिन से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री हो गई तो वहां पर भी इसका यूजेज है राइट नाउ। फिर एजुकेशन सेक्टर को दिखाया जा रहा है, वहां तो डेफिनेटली है, मैंने पहले ही उसको एक्सप्लेन कर दिया है एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके से इसकी इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट वन जो है वो यहाँ पे कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, बिकॉज जब हम स्पेस के अंदर जाते हैं या स्पेस की बात करते हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके, तो
तो फिर वहाँ पे कॉस्मोलॉजी इन्वॉल्व होती है, और फिर वहाँ पे जो है ये चीजें डेफिनेटली डिस्कस होती हैं। वहाँ पे टाइम ट्रेवल डे और फिर डिस्टेंस और ये स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी, तमाम चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ड्यूरेशन वगैरह कितना है, तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग डेफिनेटली 100% इन्वॉल्व होगी। और फिर इलेक्ट्रिसिटी है, और फिर देन टाइम कैलकुलेशंस वगैरह की कुछ ब्रांचेस हो रही है। तो ऑल इन वन, इन दिस वन प्रेजेंटेशन और इन दिस वन पिक्चर, ठीक है। ये अगर पिक्चर आप लोगों को समझ में आई है, या जो मैंने एक्सप्लेनेशन राइट नाउ आपको अभी दी है, तो अगर तो आपने इसको अच्छे से सुना है या समझा है, तो आप लोगों को प्रोग्रामिंग का जो यूजेज है, यूज एज एन टूल इन अ मैथमेटिक्स, समझ में आ गया होगा, ठीक है। या यूज एज अ टूल इन अ नेचुरल साइंसेस, ठीक है। राइट नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये जो है वो एडवांस लेवल की जो है वो ग्राफिंग हुई हुई है। मैंने आप लोगों को जैसे प्रीवियस चैप्टर में बताया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो मैं आपको क्वेश्चन बेस्ड समझा रहा था कि ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करेंगे। अब ये जो चीज है, ये थोड़ा एडवांस लेवल की पिक्चर है, और इसके अंदर आपको प्रॉपरली ग्राफ, जो कि इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, बैक एंड पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं फंक्शन एंड ग्राफ्स के, तो वो यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है। लाइक अगर आप जाते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, या इससे रिलेटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म में जाते हैं, तो वहां पर यही चीज होती है, ठीक है। और यही ग्राफ्स इस तरीके से बने हुए होते हैं, और इसी तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी होती है, और शो करवाया जा रहा होता है डिफरेंट चीजों को कि नियर अबाउट आने वाले वक्तों में जो है वो ये जो है प्रोबेबिलिटी हो सकती है कंट्री की या प्रोविंस की, इन द सेंस ऑफ एजुकेशन, इन द सेंस ऑफ पॉलिटिक्स, या इन द सेंस ऑफ मेट्रोलॉजी, ठीक है। कोई भी फील्ड हो उससे रिलेटेड यहाँ पे ग्राफ जो है वो शो करवाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये लेफ्ट लेफ्ट साइड पे आप एक ग्राफ देखेंगे जो कि पानी के या वाटर के लेवल को शो करवा रहा है, ठीक है। अगर आप देखें तो डिफरेंट दरियाओं को यहाँ पे जो है वो कैप्चर किया जा रहा है, ठीक है, डिफरेंट कलर से, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये ग्रीन है, ये रेड है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर है, ग्राफ्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जब आप एडवांस लेवल के ऊपर वर्किंग करते हैं किसी मल्टीनेशनल फर्म के अंदर, तो वहां पे ये टोटली चीज जो है ग्राफ के ऊपर होती है, ठीक है। बैक एंड पे क्या चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, लाइक कॉटन इंडस्ट्री है या सीमेंट इंडस्ट्री है, डजेंट मैटर, कुछ भी चल रहा है, उसको जो है डिफरेंट मैनेजर्स जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं, या जो लाइन मैनेजर्स होते हैं एज पर असाइंड हर डिपार्टमेंट को देख रहे होते हैं। बट द अपर मैनेजमेंट जो के एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग होते हैं, वो जस्ट इस ग्राफ के ऊपर जो है वो बेस कर रहे होते हैं, और उनके पास जो तमाम चीजें मॉनिटर होती हैं इस ग्राफ से होती है। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट, इसकी एग्जांपल मैं आपको कस्टमर ऑपरेशंस में देता हूँ कि नंबर ऑफ इंक्वायरीज लैंड की है हमारे पास, ठीक है। अगर कस्टमर ऑपरेशंस में कोई पर्सन बैठा है और वो इंक्वायर करता है या कोई क्यूरी का आंसर करता है, तो वो चेक करता है, उसको डेफिनेटली चेक डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि दिस क्यूरी इज रिलेटेड टू व्हाट, इज रिलेटेड टू द इट इज रिलेटेड टू द एजुकेशन, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट के एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो क्यूरी है, और किस सब्जेक्ट की क्यूरी है, ठीक है। अगर तो वो फिजिक्स की है, तो वो फिजिक्स फिजिक्स को चेक कर देगा वहां से, और इसकी कोऑर्डिनेशन प्रोग्रामिंग के थ्रू उस ग्राफ पे हो रही होगी, ठीक है। अगर लेट सपोज कि एक कस्टमर ऑपरेशंस में एक पर्सन जो है इंक्वायर करता है, कंप्लेंट्स रिलेटेड टू फिजिक्स 10 हैं, तो वो 10 चेक फिजिक्स को लगाएगा कि फिजिक्स में ये प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व करवा दें। 10 जो है वो केमिस्ट्री में है, तो 10 वो केमिस्ट्री के चेक्स लगाएगा, और 5 जो है मैथमेटिक्स की है, तो 5 मैथमेटिक्स को चेक लगाएगा। इन द एंड जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से परसेंटेज बनेगी, ठीक है। अब फिजिक्स वाले पर्सन को नहीं पता कि मैथमेटिक्स में कितनी जो है वो कंप्लेंट्स हैं, या मैथमेटिक्स में कितनी क्यूरी आई है स्टूडेंट्स की, ठीक है। और इसी तरीके से केमिस्ट्री वाले पर्सन को उन दोनों का जो है वो नहीं पता, तो वो तीनों अपनी अपनी डोमेन में काम कर रहे हैं। बट इन तीनों को जो ऑब्जर्व कर रहा है वो फ्रंट एंड पे जो एग्जीक्यूटिव लेवल का पर्सन है, जो भी है कंपनी का, वो उसको ऑब्जर्व इस ग्राफ से ही कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से तमाम इंडस्ट्रीज जो है वो कोऑर्डिनेट कर रही है आजकल, और इस वजह से जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है। तो आप लीनियर प्रोग्रामिंग को जो है वो थोड़ा डेप्थ में जो है वो इसको देखें,
एनी हाउ कुछ प्रोग्राम्स भी इससे बनाए जा सकते हैं, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरमीडिएट लेवल पे जो प्रोग्राम्स डिफरेंट बनाए जाते हैं, तो वो इस तरह होते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ वेलकम टेक्स्ट इन अ न्यू लाइन, ठीक है, इन अ न्यू लाइन, या फिर हो सकता है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट टोटल परसेंटेज एंड ग्रेड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, एनी प्रोग्रामिंग, ये मैथमेटिक्स के प्रोग्राम्स हैं, बट कंप्यूटर की हेल्प से, बिकॉज कंप्यूटर इज आर टूल, कंप्यूटर की हेल्प से ये प्रोग्राम्स जो है डिवेलप किए जाते हैं, जो कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल के अंदर जो है वो करते हैं, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और फिर राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फारेनहाइट टू सेल्सियस, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर and prints its multiple up to 10, write a program to read 10 numbers and sort them into descending order, इस तरह के different हो सकते हैं, ये तमाम programs जो मैं आपको बता रहा हूँ ये relate कर रहे हैं mathematics से, but ये solve होंगी problems with the help of computer programming, ठीक है, write a program to read an integer and print the factorial of n, ठीक है, इस तरह के कुछ programs जो हैं वो आपको जो है वो प्रैक्टिकल में करने पड़ सकते हैं अगर आप ICS के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एनी हाउ इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेज जो करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग इनफैक्ट क्या होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू योर बुक इज अ मैथमेटिकल टेक्निक जो कि मैंने आपको बताया, यूज्ड टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम विद लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ठीक है, फंक्शन एंड ग्राफ से मैंने कोऑर्डिनेट आपको बता दिया कैसे हुआ, एक्सप्लेन किया मैंने इसको भी, इट इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड मैंने आपको कौन कौन सी बताई है, रिकॉल करें मैं आपको फिर उसके बाद बताता हूँ आपकी बुक में क्या चीजें मेंशन है, आपकी बुक में मेंशन है इंक्लूडिंग ऑपरेशंस रिसर्च, ऑपरेशंस का मैंने आपको बताया, कस्टमर ऑपरेशंस हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, बैंक के ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट बैंक्स हैं, लाइक अगर 300 ब्रांचेस किसी एक्स वाई जेड बैंक की कराची में है तो एग्जीक्यूटिव लेवल की जो मैनेजमेंट होगी वो जस्ट उस ग्राफ से ही तमाम चीजें चेकआउट कर रही होगी कि कितना ट्रैफिक है लोगों का डिफेंस ब्रांच में, कितना ट्रैफिक है गुलशन ब्रांच में, कितना ट्रैफिक है शाह फैसल ब्रांच में, शाह फैसल पे, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट उनके पास ग्राफ्स चल रहे होते हैं, तो उनके पास जो है पूरा जो है वो नॉलेज होता है या पूरी उनके पास डिटेल्स होती है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है, वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग ऑपरेशंस, रिसर्च, इकोनॉमिक्स जो कि मैंने आपको बताया कराची स्टॉक एक्सचेंज और वहां पे तमाम चीजें जो चल रही होती है, इकोनॉमी जो है, इंजीनियरिंग डिटेल में मैंने आपको बताया, और इंजीनियरिंग जो है वो इज बेस्ड ऑन साइंस, ठीक है, ये साइंस ही से ही तमाम इंजीनियरिंग की ब्रांचेस निकली हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेट्रॉनिक्स, तो साइंस का ये एक सबसेट है छोटा सा, एंड लॉजिस्टिक्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स है, बिकॉज विदाउट लॉजिस्टिक्स जो है वो आप चीजों को इन 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 और आउट नहीं कर सकते कंट्री से, ठीक है, तो ये तमाम चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है लीनियर प्रोग्रामिंग की, ठीक है, एनी हाउ इन लीनियर प्रोग्रामिंग द गोल इज टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ठीक है, इसका जो पर्पस बता रहा है यही है कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज किया जाता है जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद जो है लिमिटेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स इम्पोज्ड ऑन द डिसीजन वेरिएबल ऑफ द प्रॉब्लम्स, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स मैंने बताई आपको, साइंटिफिक प्रॉब्लम बताई मैंने, ये तमाम चीजें, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटी दैट नीड्स टू बी ऑप्टिमाइज्ड, ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, अच्छा डिसीजन वेरिएबल्स और डिसीजन मेकर आपने एक वर्ड सुना होगा, वो डिसीजन भी अपर मैनेजमेंट डिसाइड करती है, इसमें यही चीज कहा जा रहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, बाज अवकात जो है लोग क्रिटिसाइज करते हैं, या स्टूडेंट लेवल पे हम एजुकेशन की बात करें तो हम जो है अपने कंसर्न बोर्ड को जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि ये इस चीज का डिसीजन गलत लिया गया, लेकिन वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही डिसीजन होता है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ जो है वो डिसीजन किया जाता है हर हर डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर आपने डिसीजन किसी चीज का करना है तो ऑन द बिहाफ ऑफ फैक्ट्स और स्टैट्स जो है किया जाता है, उसमें जो है कोई भी इस तरीके से चीज नहीं होती जो हम थॉट कह रहे होते हैं,
नेक्स्ट जो है वो हम स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इसमें करेक्टरिस्टिक्स जो है इस स्लाइड के अंदर बताए गए हैं, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। फर्स्ट वन है, दूसरा जो है वो एडिटिविटी है, सर्टेनिटी है, नॉन नेगेटिविटी है, और ये लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ये है। ऑब्जेक्ट फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी लीनियर, ठीक है। और दिस वन इज द सोल्यूशन टू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज फाउंड बाय कंस्ट्रेनिंग फिजिबल रीजन, ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक रीजन के ऊपर जो है वो किया जाएगा, ठीक है, रैंडम डायरेक्शंस नहीं होंगी, ये इसमें बताया जा रहा है। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इसमें जो है लीनियर प्रोग्रामिंग हैज न्यूमरस प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। डेली लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल कहते हैं जो हम देख रहे होते हैं, प्रैक्टिकली वर्क कर रहे होते हैं, थ्योरेटिकल चीज की इम्प्लीमेंटेशन जो होती है, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन प्लानिंग। देखें, मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स सीमेंट इंडस्ट्री की एग्जाम्पल दी, डेफिनेटली वो प्रोडक्ट बना रही है। कोई भी प्रोडक्ट बनाती है कोई इंडस्ट्री, तो वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। राइट नाउ वी आर इन एन एजुकेशन सेक्टर, सो एजुकेशन सेक्टर का जो प्रोडक्ट है, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ द एजुकेशन सेक्टर, डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो है वो प्रोडक्ट है, और आपको ट्रेंड करना एजुकेशन सेक्टर का काम है। इसी तरीके से क्या है इसमें है, एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रोडक्शन प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन है, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, लॉजिस्टिक में आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन है एंड मैनी अदर। इट प्रोवाइड्स अ पावरफुल मैथमेटिकल फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग ऑप्टिमल डिसीजंस इन अ वाइड रेंज ऑफ रियल वर्ल्ड सिनेरियोस, ठीक है। ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको प्रीवियस स्लाइड में। तमाम होप्सो के लेक्चर को आपने अच्छे से समझा होगा। एनी हाउ, मजीद अगर आपको कोई चीज में क्लैरिटी चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, बिकॉज इतने शॉर्ट लेक्चर के अंदर तमाम चीजें समराइज नहीं हो सकती। ये बहुत ही डेप्थ जो है वो फील्ड्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। राइट नाउ आपका लेवल जो है इंटरमीडिएट है, तो आप इसमें अभी एंटर हो रहे हैं, तो टर्मिनोलॉजीज का पता होना और उसकी बेसिक्स फंडामेंटल्स पता होना ही काफी है आप लोगों के लिए। और अगर कोई एडवांस लेवल के लोग इसको देख रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं कुछ समझने के लिए रिसर्च लेवल के, तो डेफिनेटली दे विल कम एट बी ट्यूशंस कम्युनिटी ग्रुप, और वहाँ पे डेफिनेटली आपको गाइड किया जाएगा उसके हवाले से। और www.btutions.com पे आप जाके तमाम नोट्स पीपीटीज जो है डाउनलोड कर सकते हैं, एंड एनी अदर हेल्पिंग मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर कंसर्न बोर्ड एग्जाम्स, वहाँ से आप देख सकते हैं। और प्लीज हमें जो है वो सोशल एप्स के ऊपर भी फॉलो करें, वहां पर भी हम जो है मौजूद हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर, जस्ट टू प्रमोट अ क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स जो है मुझे फुरकान अहमद कुरैशी को वी ट्यूशंस लर्निंग प्लेटफॉर्म से इजाजत इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।